हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत, सुबह बहुत अच्छी हुई है। और हम आपको आज ले जा रहे हैं एक ऐसी राइड पे, यहाँ का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनगर का, देवी का स्थान, देवी स्थान, वहाँ लेके जा रहे हैं। तो चलिए इस राइड को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ आपको बहुत सारे इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगे। तो चलिए राइड को शुरू करते हैं, मिलते हैं मोटो राइडिंग मोड में। तो हम निकल पड़े हैं दोस्तों देवी स्थान मणिपुर समस्तीपुर। ये समस्तीपुर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध देवी का स्थान है, जहाँ की लोग दूर दूर से, यानी कि पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा मनोकामना ऐसी हो जो बहुत दिन से पूरी ना हो रही हो, तो आप यहाँ पे आकर के अपनी मनोकामना को रख सकते हैं। और ऐसा मानना है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो चलिए इस राइड को कंटिन्यू करते हैं। जो रास्ता आप देख रहे हैं ये समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जाती है। तो अभी जो हम इस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है बिरौली चौक। बिरौली चौक से हम अभी जा रहे हैं समस्तीपुर की ओर। समस्तीपुर की ओर से ही एक रास्ता कटता है देवी स्थान के तरफ। तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर का राइड हमें करना है। तो चलिए इस राइड पर बने रहिएगा, मैं आपको देवी स्थान घुमाता हूँ। देखिए मंदिर का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको मंदिर पहुँच के बताऊँगा। तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें और जिन्हें अच्छी लग रही वो लाइक कर दे ज़रूर। बांध है, इसका नाम है मगरदही बांध। तो आप देख सकते हैं हमें ऑफ राइडिंग थोड़ी सी करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं। और आप तो थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि ये राइड कहाँ के लिए है। तो हम जा रहे हैं मणिपुर देवी स्थान, जो कि माँ दुर्गा का स्थान है। समस्तीपुर से 3 से 4 किलोमीटर की राइड पर आपको मिल जाएगा। तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मैप के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। और मैंने कहा था कि इसका एक फैक्ट है जो कि मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा, तो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। बाजार है और हम पहले बाइक को खड़ी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर। तो आप देख सकते हो, मैं आपको मंदिर दिखाता हूं। ये मेरे पीछे माता का मंदिर है, जो कि यहां का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको प्रसाद लेना होगा, और हम चलिए प्रसाद की दुकान पर चलते हैं। कैसे करके दिए पैकेट? 20 रुपया का है। 20 रुपया का है, और नारियल के साथ 45 रुपया। तो फ्रेंड यहाँ पे 20 रुपये का पैकेट भी आपको मिल जाएगा, और नारियल अगर लेते हैं तो 45 रुपये का आपको मिल जाएगा। आप मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं। ये रास्ता आपको समस्तीपुर से आता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग देखिए दूर दूर से आए हुए हैं। भगवती स्थान मणिपुर,
काफ़ी यहाँ का फेमस मंदिर है। इस प्लेस को आप जरूर विजिट करें दोस्तों, जरूर विजिट करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर। सबसे पहले जूता खोल लेते हैं दोस्तों। लगा कोयापुर माता के लिए चुन्नी भी मिल जाएगी, हर तरह की चुन्नी है, आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं माता को। हाँ लीजिए, मेरे साथ मामा जी हैं। सबसे पहले हम पूजा करेंगे। ये देखिए दोस्तों मंदिर यहाँ का। तो मैंने जो आपको एक फैक्ट के बारे में बताया था वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पे माता के सामने रखते हैं, तो उनकी सारी जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी आती है, यहाँ की मान्यता है। तो यहाँ पे देखिए नारियल चढ़ाने के लिए बना हुआ है, तो नारियल चढ़ाएंगे क्या यहाँ पर? ऊपर ले जाओ। देखिए ये यहाँ के पुजारी जी हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये भी पुजारी मिलेंगे। तो यहाँ की जो प्रसिद्ध मान्यताएं हैं उनके बारे में जानते हैं, तो बाबा बताएंगे यहाँ के क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहले मानते हैं कि जो भी भक्त आएगा जी भक्ति भाव से इस चौकट पे मोली टेकना है उनको। जी जी, कहाँ पे? चौकट पे। ये महत्व है, ये चौकट पे आपको मंदिर पे माथा टेकना होता है। और जो भी काम से आए हैं भक्त अपना बताएंगे जी, फूल है वो फूल देंगे। सबसे मेन प्रसाद यहाँ फूल है, फूल है। हाँ। यहाँ का जो मेन प्रसाद है दोस्तों वो फूल है। आप यहाँ आए तो फूल जरूर लेके जाएं। और बाबा? और बीच में आने वहाँ ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा 1900 ईस्वी में मंजर को लाए थे। ब्रह्म बाबा वहाँ पोखर पीछे पोखर इस मंदिर इसके ठीक सामने पोखर जो है ब्रह्म बाबा का स्थान है, वही इन माता को यहाँ पे स्थापित किए हैं। नहीं स्थापित तो वहाँ था, स्थापित पहले आगे में चंद्रपद है ना जी, वहाँ था छोटा सा। अब ये हम लोग आए हैं, माँ का कृपा हुआ है, भक्त लोग देते गए हैं जी। ये इतना बड़ा जितना यहाँ से देखिए पूरा सब भक्त का दिया। तो यहाँ के बारे में मैंने सुन रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग एडमिट कार्ड वगैरह लेके आते हैं, इसकी क्या मान्यता है जरा हमारे दर्शकों को बताइए? 100% जितना ये ना ये बेरोजगारों का जी, जो बेरोजगार का है ना कि भक्त जिस भक्ति से आइए, हाँ केवल वो आपका पूरा नहीं, जो अनिष्ट किसी को करने जाइएगा वो आपको नहीं मिलेगा जी जी। और जो सही भक्त जो सही काम के लिए आइएगा वो आप, अगर किसी के लिए अनिष्टता मांगते हैं तो वो माता कभी पूरा नहीं करेंगे, अपनी खुशी मांगे तो वो माता जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं, ये भी बहुत सारे दूर दूर से आते हैं, आप भी जरूर आएँ, आपकी मनोकामनाएँ जरूर पूरी होंगी। और अभी तक आने के बाद ये जितना जो है ना जी, जो कहे कि कार्ड वाले जी जी, कार्ड वाले आए अपना मट्ठा टेके टेकने के बाद उनको फूल दिए, वो सफल हो गए। सफल होने के बाद जो चढ़ावना चढ़ा दिए माँ को चरण में जी, उसी से ये सफल रहा। अब वो ट्रस्ट आ गया है, अब उसके तो आ गया, आप उन लोग अपने समझते हैं कि क्या है नहीं है। तो ये मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में बता? 100 साल। 100 साल? हाँ 100 साल पूरी। बहुत उसका नाम एक बुरा कहना कि वो ऐसे तो अच्छी पे डाला हुआ है, डाला हुआ है। अच्छा, बड़ी लंबा कहानी है। अच्छा, थोड़ी सी अगर शॉर्ट में हमें बता पाए आप हमारे रहे कि वो बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ पोखर पर जाइए ना, मम्मा देखिए जी, दिखाऊंगा आपको आगे जाके पोखर। वही ब्रह्म वहीं आए, वहीं से आने के बाद वो जो कहे ना कि उस समय 100 साल पहले यहाँ खाने के लिए लोग अपने तरह से, लिए तुमको चिंता करना है ना, हमारे लिए पूजा के लिए चिंता करना है, जो भी होगा भक्त को पूजा करके पूछ लेते हैं, हम अपना पूजा आप पुजारी के लिए कुछ चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, वाकई नहीं होता कुछ भी है ना, ये अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये जो मतलब चिंता हुआ ना कि विद्यार्थी का या स्टूडेंट का, स्टूडेंट का देखना है ना, इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन नौकरी अभी चल रहा है ना, रेलवे वाला 100%। तो बॉस यहाँ पे अगर आप अपने रिजल्ट को 100% पाना चाहते हैं तो आकर के माता को अपना एडमिट कार्ड जरूर चढ़ाएं। कोई भी रिजल्ट आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा आने वाला है, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो, क्योंकि यहाँ पे ये मान्यता बहुत ही पुरानी दिन से चली आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको खड़ा नहीं होना है, जैसा कि यहाँ के पुजारी जी बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म बाबा का सीधा स्थान है, वो यहाँ पे बीच में खड़ा होने के लिए मना किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको इसके ऊपर में श्री राम जी का एक पत्थर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि डूबता नहीं है। तो चलिए हम ऊपर में चलते हैं हनुमान जी का। और यहाँ पे एक टेंपल जो हनुमान जी की मूर्ति बन रही है वो बहुत ही विशाल मूर्ति बन रही है, मैं उसके भी आपको दर्शन कराता हूँ जी जी।
पूजा कर ली है और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। श्री राम जी का एक पत्थर है जो कि मंदिर में रखा हुआ है और वो डूबता नहीं है, उसे वहाँ से लाया गया है। तो दोस्तों एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था मंदिर का, लेकिन पुजारी जी ने हमें अलाउड कर दिया तो मैंने ले लिया, आप लोगों को दिखाया। ये सिर्फ हमारे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी तक ये परमिशन किसी को नहीं दी गई थी, हमारा स्पेशल केस था इसीलिए हमें परमिट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं थी। तो ये देखिए यही वो पत्थर है जो कहता है श्री राम सेतु, यही पत्थर इसी पत्थर से श्री राम सेतु बना है। बजरंगबली का बहुत ही विशाल मूर्ति का निर्माण हो रहा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस प्लेस को ज़रूर विजिट करें, ये समस्तीपुर का मणिपुर मंदिर है माता का, बहुत ही प्रसिद्ध। बाहर का भी अब जो है ना लड्डू मिठाई आने लगा ना, अब हम आपको लड्डू मिठाई खिला रहे हैं, ये खा लीजिए। अच्छा, वो रख लीजिए अपने दाहिना भाग में, ये फूल खाइए, उसके बाद बताइएगा। कौन सा ये फूल खाना है? आप फूले खाना, लड्डू मिठाई लगा के आप फूल। अच्छा, पहले फूल खाए प्रसाद हुआ करते आप फूले से। क्या नाम है सर बाबा आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार हमारे गुरु जी थे जो गुरु जी चल बसे हैं बाईस तारीख। चलिए देखिए भगवान हमें प्रसाद मिल गया है माता का, हम आगे निकलते हैं। नारियल फोड़ना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नारियल को माता को अर्पित करेंगे, एक बार में फोड़िए जोड़। जय माता रानी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर की भव्यता और यहाँ पे सचमुच में आप जो मांगेंगे वो पूरा होगा सचमुच में। तो आप जरूर आए, इस प्लेस को जरूर विजिट करें, आपने लाखों प्लेस को विजिट किया होगा, बहुत हजारों प्लेस पे गए होंगे, लेकिन ये एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं कॉमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे आप देवी स्थान पे गए होंगे, ये बहुत ही चमत्कारी देवी का स्थान है। तो हमें प्रसाद के तौर पे फूल मिला था जो कि मुझे खाना था, वो मैंने खा लिया है। चलिए यहाँ का जो कौन सा स्थान बोले थे, ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा का स्थान है जिन्होंने माता को वहाँ पर स्थापित करवाया, उन पर मैं दर्शन करा दूँ आपको। तो यही वो ब्रह्म बाबा हैं जिन्होंने माता रानी को स्थापित किया, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए आप दोस्तों। उसके जस्ट पीछे एक कुंड भी आपको देखने मिलेगा जिसको कि अभी सफाई का काम चल रहा है इस पर। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे आपको चाट की दुकानें, पुष्के की दुकानें भी मिलेंगे। तो कैसे बना रहे हैं चाट? 20 रुपये प्लेट। 20 रुपये प्लेट।
देखिए दोस्तों, अब हम इसको खा के फिर ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। फ्रेंड्स, हम खाते हैं चाट और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ मैं ही दिखा रहा हूँ आपको, माता का दर्शन सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।